हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त आज हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। इसके लिए हमने दूध को बॉईल करने के लिए बैठा दिया है और यह है गोलदाना चावल। इसको अच्छे से भिगो लिया है और इधर ले लेते हैं अमूल स्प्रे का अमूल पाउडर। इससे हम जो मिल्क है उसको थोड़ा थिक कर लेंगे, इसलिए मैंने ग्लास में दूध के साथ उसको थोड़ा सा घोल लिया है। इसको अच्छे से मिला के इसमें डाल देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा दूध जो है वो जल्दी थिक हो जाएगा। इसको कंटिन्यू स्टर करते रहिएगा और इसको हमें बहुत मोटा करना है, इसीलिए ये है इलायची पाउडर। इलायची को मैंने पीस लिया है, इसका भी डाल देते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे से चलाते हुए मिला लेते हैं और बॉईल करते रहेंगे जब तक कि ये दूध जो है वो थिक ना हो जाए। एकदम थिक भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इसमें चावल को बॉईल करना है। अब चावल को थोड़ा सा थिक हो चुका है, तो चावल को अब बॉईल करने के लिए इसमें डाल देते हैं। ये पूरा मिल्क में ही बॉईल होगा चावल धीरे धीरे। दूध भी हॉट आता रहेगा और थिक होता रहेगा और चावल भी बॉईल हो जाएगा। और थोड़ा सा तेज पत्ता भी ऐड किया मैंने, 1 से 2। और ये है खजूर का गुड़, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसको शक्कर से नहीं बना रहे, ये खजूर के गुड़ का पायस है, जिसको हम हिंदी में खीर भी बोलते हैं। ये खजूर का गुड़ मैंने डाल दिया है। इसको अब गैस को फ्लेम बंद कर दीजिएगा और इसको अब चलाते हुए घोलते रहेंगे कि इसमें गर्म में घुल जाए। अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा, क्योंकि इसी से जो खीर है ये मीठा होगा। आप देख सकते हैं इसका कलर पूरा चेंज हो चुका है। चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बाय बाय। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनती है। आप देख सकते हैं कितना थिक हो चुका है ये। बस गैस का फ्लेम बंद कर चुकी हूँ मैं। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये रेडी हो चुका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।